आइए बच्चों हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने पहले से लिखा हुआ, ये देखिए यहाँ पर लिखा यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रोंग आंसर। देखिए बच्चों इसमें का मतलब है कि यस नाम का एक लड़का है जिसने 40 मार्क्स लिए हैं, और कब लिए हैं, यदि वो उसने उस जो भी क्वेश्चन ठीक किए उसके लिए 3 नंबर मिले हैं, 3 मार्क्स मिले हैं, और जो भी गलत क्वेश्चन के रॉन्ग क्वेश्चन किए हैं, रॉन्ग आंसर दिए हैं, उसके लिए 1 मार्क्स मिला है। ऐसी कंडीशन में उसको टोटल 40 मार्क्स मिले हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा फिर लिखा हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड, उसको यदि 4 मार्क्स अवार्ड किए जाएँ, दिए जाएँ फॉर ईच करेक्ट आंसर, यदि जो आंसर उसका करेक्ट है उसके लिए 4 मार्क्स दिए जाएँ, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट, और जो रॉन्ग आंसर है यानी करेक्ट आंसर है उसके लिए 2 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएँ, काट लिए जाएँ, तो देन यस वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। तो यस के जो मार्क्स हैं वो 50 आए होते, ठीक है। तो हमें बताना हाउ मैनी क्वेश्चन वर देयर इन द टेस्ट, तो टेस्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए बच्चों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए मैं इसको करना शुरू कर देता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पर हम लिखते हैं, ये देखिए लेट मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट यस डू करेक्ट क्वेश्चन, इक्वल टू एक्स, ठीक है। और यहां पर मैं लिख लेता हूं यस डू इनकरेक्ट, ठीक है क्वेश्चन, इक्वल टू वाई, ये हम इसमें कर लेते हैं, ठीक है बच्चों। और देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसमें क्या कहता है, देखिए करेक्ट आंसर है, देखिए इसमें मैं दोबारा फिर दिखाता हूँ करेक्ट आंसर, यदि उसे 3 मार्क्स दिए जाए करेक्ट आंसर के लिए, करेक्ट आंसर है एक्स, और इसके लिए उसे 3 मार्क्स मिले, ठीक है, अच्छा प्लस ये माइनस हम करेंगे, ठीक है माइनस, क्योंकि जो रॉन्ग आंसर है उसके लिए क्या हुआ माइनस हो गए, अच्छा और ये है उसके लिए 1 मार्क्स, उसमें क्या कहा है इसमें, ये देखिए इसमें कहा है कि ये देखिए ध्यान से यहाँ पर कहा है कि लूजिंग 1 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, ठीक है, जो इनकरेक्ट आंसर है वो है वाई, उसके लिए 1 मार्क्स उसने लूज कर दिया यानी खो दिया, काट लिया गया, ठीक है, तो उसे टोटल मार्क्स मिलते हैं कितने 40, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन हमारा, ये यानी फर्स्ट इक्वेशन हमारी हो गई, ठीक है। अच्छा इन सेकंड केस मैं यहीं पे लिख देता हूँ, तो सेकंड केस में इक्वेशन क्या बनेगी, उसमें लिखा यदि उसको 4 मार्क्स और दिए जाते, 4 मार्क्स यानी ठीक आंसर के 4 मार्क्स मिल दिए जाते, और माइनस और उसको 2 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते रॉन्ग आंसर के लिए, तो उसको टोटल मिलते कितने 50, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसमें हमें करना होगा, कोई भी मेथड आप यूज कीजिए जो आपको इजी लगे, मैं तो एलिमिनेशन मेथड से आपको बताऊंगा क्योंकि मेरे लिए वही सबसे इजी लगता है, ठीक है बच्चों। मैं इस इक्वेशन को एक बार फिर लिख लेता हूँ यहाँ पर, 3x माइनस वाई इक्वल 40 और 4x माइनस 2y इक्वल 50। देखिए बच्चों यहाँ पर मैं y वाला मेरे को कुछ ईजी नज़र आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए ऊपर y के सामने यहाँ पर कोई नंबर नहीं तो 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसका मतलब y के सामने 2 है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को देखिए, नीचे 2 है तो ऊपर वाली को 2 से कर दो, और y के सामने आगे 1 है तो नीचे वाली को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इस प्रकार ये y के टर्म इक्वल आ जाते हैं, और फिर हम इसको इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए 2 से हम उसको करते हैं, 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6x माइनस 2y और 42 80, ठीक है बच्चों, ये ऐसे, और 1 से जब हम करेंगे तो यूं का यूं सेम नंबर आने वाला है, ठीक है बच्चों, ये देखिए ये आ गया, अब देखिए ये पर सेम आ गया लेकिन साइन अलग अलग है, तो फिर क्या करेंगे हम, साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस का तो माइनस का बना देते हैं, ये माइनस का तो प्लस का बना देते हैं, ये फिर हम क्या कर देते हैं, ये माइनस का बना देते हैं, और अब इसको काट सकते हैं, 4x में से 2x माइनस कर दीजिए, सॉरी 6x में से 4x माइनस कर दीजिए 2x, ठीक है बच्चों, और इक्वल 80 में से 50 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा,
और एक्स की वैल्यू अगर निकाले तो 30 इधर 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में, और 2 से जब हम 30 को डिवाइड करते हैं तो 15 आ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब करेक्ट जो क्वेश्चन थे उसके तो कितने थे, 15 थे। ठीक है बच्चों, आइए अब इस वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, जिसमें आप चाहे तो उसमें पुट कर सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन फर्स्ट इक्वेशन में कर देते, चलो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है बच्चों, आइए कर देते हैं इसमें, देखो 3 लिखा और x की जगह हमें x की वैल्यू लिखनी है 15 माइनस y इक्वल 40। ठीक है बच्चों, अच्छा 15 3 जगह कितना होता है 45 माइनस y इक्वल 40, ऐसे हम लिख सकते हैं। ये प्लस 45 है, इसको इधर ले आओ, माइनस को हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है बच्चों, और माइनस प्लस माइनस, बड़े नंबर के सामने माइनस का साइन, इसलिए माइनस का साइन, माइनस से माइनस का साइन कट गया, वाई इक्वल 5। तो इसका मतलब क्या है, जो रॉन्ग क्वेश्चन थे उसके 5 थे। अब इसमें पूछा टोटल क्वेश्चन कितने थे, टोटल का मतलब देखिए मैं लिख देता हूँ टोटल क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन थे जो उसके जिनके जो राइट थे वो, प्लस जो रॉन्ग आए हैं वो, दोनों को अगर हम ऐड कर दिया जाए तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल क्वेश्चन आ गए 20। तो बच्चों ये था क्वेश्चन जो सॉल्व हो चुका है, और मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में ज़रूर आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और इसमें से सीख कर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाएं बच्चों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए धन्यवाद।